नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, संविदा पर नियोजित कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सारा खबर आपको बताए उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, आप सभी को यह जानकर काफ़ी हर्ष होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्र दो रोज पहले जारी हुआ था, जिसमें तमाम जो है कि प्रधान सचिव सचिव को संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि में हो रही कार्यवाहियों से अवगत कराने का निर्देश, एक तरह से स्पष्टीकरण की मांग सामान्य प्रशासन विभाग ने की थी। हवाला दिया था कि विधानसभा के शून्यकाल समिति के द्वारा जो है कि इस संबंध में सवाल पूछे गए हैं, जिसका जवाब जो है कि तैयार करके देना है। शून्यकाल समिति ने जो है कि लगातार संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के वेतन वृद्धि से संबंधित जो फाइलें पड़ी हुई हैं, उन फाइलों को जो है कि ठंडे बस्ते में निकलवाने का प्रयास करते हुए जो है कि सामान्य प्रशासन विभाग को यह निर्देश जारी किया कि उन फाइलों पर क्या कार्यवाही हो रही है, उसको तुरंत जल्द से जल्द जो है कि हम लोगों को अवगत करवाया जाए। इसके लिए देश के तमाम और राज्य के तमाम जो है कि संविदा कर्मियों को शून्यकाल समिति विधानसभा का जो है कि आभार प्रकट करना चाहिए कि विधानसभा के शून्यकाल समिति ने जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी के वेतन वृद्धि के लिए जो है कि इतना बड़ा कदम उठाया है। शून्यकाल समिति के इस प्रस्ताव का और इस प्रयास का प्रतिफल यह है कि उनके स्पष्टीकरण के आलोक में प्रधान सचिव अब तमाम जो है कि कर्मियों का वेतन वृद्धि करेंगे और प्रधान सचिव को वेतन वृद्धि करने के लिए किसी के परामर्श की या किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है कि विधानसभा शून्यकाल समिति ने जो पूछा है उसके अनुसार प्रधान सचिव को खुद पावर दे दिया गया है कि वे संविदा कर्मियों का जो है कि वेतन वृद्धि कर सके। चूँकि जो है कि अभी आदर्श आचार संहिता का मामला है, राजनेताओं के मुंह बंद हैं और अधिकारी बोल रहे हैं, और अधिकारियों का कहना है कि शून्यकाल समिति ने सभी सोची समझी नीति के तहत जो है कि विभागों के प्रधान सचिव और सचिवों को यह अधिकार निर्गत किया है कि जो है कि आदर्श आचार संहिता के क्रम में भी सचिव और प्रधान सचिव वेतन वृद्धि कर सकते हैं, और यह जो वेतन वृद्धि होगी उस पर जो है कि चुनाव या चुनाव के पूर्व का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसमें आपको बताते चले कि शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, किसान सलाहकार सहित मानव बल, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, पंचायत, प्रखंड कार्यपालक सहायक, बिजली विभाग, मानव बल, ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक सहित जो है कि सैकड़ों की संख्या में संविदा पर नियोजित कर्मी हैं जिनका वेतन बढ़ने वाला है, और वह सब बहुत जल्द होगा इसकी जानकारी हमको है, और इसके लिए ही शून्यकाल समिति विधानसभा ने सारे प्रयास किए हैं और पत्र जो है कि देकर अब जो है कि सामान्य प्रशासन ने गेंद जो है कि विभागों के सचिव और प्रधान सचिवों के पाले में डाल दी है। और इसके बाद भी यदि वेतन वृद्धि में आनाकानी होती है, दिक्कत होती है, तो हम लोग जो है कि स्वयं न्यायालय, जो कि 12 मार्च 2024 को जो फैसला दिया है, उस फैसले का अनुकरण करते हुए तमाम लोगों को जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और उसका नेतृत्व हम करेंगे। हम अपने स्तर से वाद व मामले को दायर कर और उस पर जो है कि फैसला लेंगे, जिसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता होगी। वीडियो जो है कि लंबा करने से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की महत्वपूर्ण खबर यही है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग ने विधानसभा अध्यक्ष के शून्यकाल समिति के प्रस्ताव के आधार पर जो पत्र जारी किया है, उस पत्र के अनुपालन में तमाम विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को वह फैसले लेने हैं, और वह फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कहीं से कोई आचार संहिता का प्रभाव नहीं, क्योंकि अधिकारी जो होते हैं वो अधिकारी होते हैं, राजनेता नहीं होते हैं। उन्हें कोई घोषणाएं नहीं करनी होती है, पूर्व से चल रहे कार्यक्रम, योजनाएं, वेतन वृद्धि को वो जो है कि लगातार जारी रखते हुए उस पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं, और पाले, उनके पाले में अब गेंद सामान्य प्रशासन विभाग ने
शून्यकाल समिति का हवाला देकर डाल दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द तमाम कर्मियों का वेतन वृद्धि होगा और हमें जो है कि न्यायालय के खर्च से बचाव होगा, अन्यथा जो है कि न्यायालय जाने के लिए तो हम लोग स्वतंत्र हैं ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।